दोस्तों ये आपको दिखाना चाह रहा था, एक गांव में मुझे एक बहुत बड़ा तिवारी बोलते हैं इसको, तिवारी बोलते हैं ना, उजड़ी गांव है नहीं ये, इस मकान को क्या बोलते, जंगला वाला, हाँ तिवारी डंडाली टाइप का हो गया था, जंगले वाला एक मकान दिखा है, बहुत पुराना गांव है। मैं बता रहा हूँ कि आप उत्तराखंड में कहीं से भी हो, अगर आपका कहीं गांव है तो ऐसे मकान आपको जरूर दिखेंगे। अब ऐसे मकान की क्या अहमियत होती है, अब वो समझने वाली बात है कि आप इस मकान को पोटेंशियल समझो इस मकान में, या इस मकान को एक प्रकार से खंडर समझो, क्योंकि ये मकान उस समय का बना है जब मेरे ख्याल से ये 100-150 साल पहले पुराने मकान होंगे आई थिंक मेरा, और अभी देखा जाए तो इस प्रकार के कारीगर आपको मिलेंगे नहीं जो इस मकान को, ऐसा स्ट्रक्चर को खड़ा किया जा सके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग होम स्टे या किसी और चीज़ों में इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं इनको, जीर्णोद्धार। आप अगर आपके घर में ऐसा कोई मकान है, आप होम स्टे के नाम पे लोन अप्लाई करें, लोन अप्लाई कर में आपको इसमें लोन के साथ साथ आपको वो भी सब्सिडी भी मिलेगी और आप अपना स्वरोजगार भी अपना सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये एक गौशाला टाइप का यहाँ पे है, ये देखिए ये पूरा छप्पर का बना हुआ है, ये पूरा एक गौशाला टाइप का है, और इसको क्या बोलते हैं अंकल जी, नेगी जी, ये गौशाला है, ये गौशाला वैसे ना, इसको गढ़वाली में क्या बोला जाता है, साल, जिसमें मतलब कि गाय भैंस रखते हैं। एक बोडी हमारे साथ है, बोडी नमस्कार, क्या चाहो आप बनो, विजयेश्वरी देवी जी, यू तुम्हारो जी, अच्छा आपको जी, आप बनो क्या जी, चंद्रा देवी जी, एक बार हम दिखाते इसमें, ये तो बोल रहे क्या सन, साल मतलब गौड़ो भैंसो तो रखी हूँ रहू ना, यार यहाँ देखो ये बकरी रहती है, और ये इन्होंने एक प्रकार से पत्थर का बना रखा जो आप मेरे ख्याल बहुत कम रेयरली देखने मिलेगा। आइए मथे क्या रखी तुम्हारी, खौड़ ना, ये क्या जो धानो धान कुछ ना, घास, ये देखो ये है इस प्रकार के, तो पहले इस प्रकार छोटे छोटे मकान भी हुआ करते थे, और ये अभी ये गाय और भैंसों के लिए इन्होंने रखा हुआ है, शॉर्ट में है। तो कितना गाय भैंस कितनी है आपकी, गाय भैंस है एक भैंस है, अच्छा सब ये वही रहते भीतर ना, बकरी है, बकरी यहाँ रहती है, बकरी, अच्छा बकरी भी रहती है, और देखो कितना प्यारा गांव है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए आप खेती देखिए आप, ये एक बाछी, नाना बाछी नाना, अच्छा ये भी है, ये अच्छा ये आपके स्टोर रूम टाइप का है ना, वो भी स्टोर रूम टाइप का ना, ये क्या चीज भंडार, घास रखने के लिए ना, अरे वाह यहाँ से सीन देखो यार भाई साहब, ये देखिए आप हम कितनी ऊंचाई पे, आप देख सकते हैं ये पूरा एक एरिया दिख रहा है, देखिए कितनी यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ पे धूप चल रही है, यहाँ पे मौसम खराब होने वाला है, काफी अच्छा सा व्यू है, ये है पूरा, ये देखिए आप कौन से, हाँ ये देखिए आप बारिश हो रही है, यहाँ का टाना दिखाई दे रहा है ये, अच्छा तुंगनाथ इस साइड है, तो अगर यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ट्रैक भी करके जाते हैं ना लोग मेरे ख्याल से, फॉरनर वगैरह आते हैं, तो इधर पोखरी है दोस्तों, इधर पोखरी से ट्रैक करते करते नीचे 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 से लोग ऐसे तुंगनाथ जाते हैं, यहाँ पे छाती वो धोतीधार है, फिर उसके बाद रोड है ऊपर पे, कितने किलोमीटर ऊपर होगी यहाँ से, यहाँ से धोतीधार होगा 5 किलोमीटर होगा ना पैदल, और इसके बाद रोड है, उसके बाद तुंगनाथ यहाँ पे रहता है, तो ये पूरा इलाका है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है।